खबर श्री अमृतसर तो आ। वाल्मीकि शक्ति सेना वालों थाना भी डिवीजन के बाहर किया गया रोस प्रदर्शन। अमृतसर के थाना भी डिवीजन विखे साइबर क्राइम सैल के एक केस नू लैके मामला सामने आया है, जिस करके वाल्मीकि सेना वालों थाना भी डिवीजन के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्हें पुलिस अधिकारियों से दोष लगाया कि 2019 तो लंबित एक पीड़ित महिला की शिकायत संबंधी केस साइबर क्राइम कोल पहुंचा सी, जिस विच पीड़िता दे सहुरे वालों उस दीआं कुछ फोटोआं फेसबुक ते एडिट करके पाईआं गईआं सी, जिस संबंधी कोर्ट केस लगाउण संबंधी पीड़ित परिवार वालों आरटीआई पा के कुछ दस्तावेजां दी पुलिस कोलों मंग कीती गई सी, पर पुलिस प्रशासन वालों उन्हां नूं पूरे दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए गए, जिस दे चलदिआं उन्हां वालों अज साइबर क्राइम सैल दे दफ्तर थाना भी दे बाहर रोस प्रदर्शन कीता गया। देखते हैं की है यह पूरा मामला। मेरा नाम लक्की वैद, जिला प्रधान है जी वाल्मीकि शक्ति सेना तो। साढ़े जनरल सकत्तर राजकुमार जी सोता, कैशियर पंजाब अरुण कुमार जी। मसला जी साडे वर्कर आ दिनेश कुमार और मदर दे जिहड़ा उन्हां दा सहुरा सीगा, उन्हें फेसबुक पर जिहड़ी है ना फोटो एडिट करके पा दित्तियां सीगा तकरीबन एक डेढ़ फरवरी 2019 दे विच, जिहड़ी कंप्लेंट ASI लव कुमार साइबर सैल को चलती पी सीगी और लगातार जिहड़ा वा वो दिनेश कुमार ते ओरी फैमिली नूं बिठा के दो दो तीन तीन घंटे हरास करता सीगा कि तुसीं राजीनामा कर लो, इदां तुहाडा केस नहीं बनता। शुरू तो ही यही रवैया सीगा। हुण की उन्हें किया वा जी, साल जो केस चला के जो बंदा थक हार गया वा, फिर जी ने दाखल दफ्तर कर दिती। इन्होंने कहना जी तुहाडा डेफामेशन बनता वा, तुसीं कोर्ट केस कर दो। जो कोर्ट केस वास्ते असीं इन्होंने RTI पाई आ, RTI दे विच जिहड़ा वा वो सारी जिहड़ी आ ना जिहड़ी पुलिस रिपोर्ट समेत दोनों तरह के बयान आते हैं, जबकि ASI लव कुमार ने फिर उन्होंने जिहड़ा वा दूजी धिर नूं अश्विनी कुमार जिहड़ा कि गुरु नानक होस्पिटल दे विच सीनियर सुपरिटेंडेंट तौर पर काम करता वा, उन्हें इन्हें साठगाठ की आ, किसी तरीके दे नाल उन्हें फायदा बचाने की कोशिश की आ। उन्हें की किया जी, जिहड़े विच RTI आ, RTI दे विच जे हुण तुसीं देखो जी, इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ जिहड़े आ कि सिर्फ एक धिर दे बयान आ, दूजी धिर दे बयान नहीं है, और ना ही उन्हें जिहड़ी आ फेसबुक की रिपोर्ट कोई लाई आ, ठीक है जी। तुसीं देखो और ये सरेआम पुलिस जी मिली भगत जी शो होती है, आ देखो एक तो बाद जिहड़ा वा आ दो आ गया, आ तीन आ गया, ठीक है जी, आ तीन चार मैसेज पांच आ गया सीधा, और सानू गिनतियां सिखा रहा जी, कहिंदा तुहानू पता नहीं हैगा ये इदां आंदे आ, अहीं कितें बाहरों आए ना सानू जिहड़ा पता नहीं हैगा, मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है जी। सीधा तुसीं वेखो 13 तो बाद ये 19, ये कि जी पंजाब पुलिस की कैलकुलेशन, ये सानू दसे ना कि कैलकुलेशन करता वा, कुछ भी नहीं लाया। विच स्क्रीनशॉट सीगे जिहड़ा कि बकायदा परिवार वालों प्रोवाइड किए गए सीगे, और इन्हें खुद सारी चीज़ा विखाइया सीगिया जी कि फेसबुक वालों जिहड़ी है ना और URL नंबर मंगया गया वा, मैं भेज दिता वा, करते करते इन्हें तकरीबन एक साल बाद फिर यह हुण कीता वा कि सिर्फ जिहड़ी अपनी बधाई तेरा और यही बयान जिहड़े आ ला के इन्हां नूं वापस कर दिते आ। जब ये अज गए आ तो इन्हों ना जरा माड़ा चंगा बोलिया वा, कहना जो करना कर लो, मैं नहीं इस चीज़ को कर सकता। हूँ कहता जी वो लैके वो दोबारा जोड़ा सामना जोड़ा है वा ना जो आप एप्लीकेशन करते हैं वो दोबारा लैके आओ, असं क्यों दोबारा लैके आईए, साडा तो समा वेस्ट करता पाया, साल एक इन्हें पहला वेस्ट कर दिता, जबकि जो एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन उस बिहाव द जोड़ा वा रिकॉर्ड निकलता वा कि वो कली कली चीज़ मंगी जाती है। ये भी चीज़ का जवाब देवे ना पुलिस सानू, सिर्फ एक थान भी धांधली हुई हुई, एक होर थान धांधली हुई हुई है, वो 455 का जो परचा वा वो अश्विनी कुमार के दर्जा और भी RTI ने सू 2 महीने के बाद बयान दिते है। इस करके अज रोस वजो जोड़ा वा अज असं इतने आए हैं, जेकर अज भी साढ़े नहीं सुनवाई हुई इस तो बाद जोड़ा वा जथेबंदी वालों भंडारी पुल जाम किया जाएगा और हाईवे जाम किए जाएंगे, जेरी तो जारी सारी जिम्मेवारी जी पुलिस प्रशासन की होएगी। मंग साड़ी आ वा कि ASI लव कुमार जोड़ा वा इनू सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे यह जे लोग जी न्या नहीं कर सकते, तो ना उन्होंने को न्या होना वा, क्योंकि ये लालची लोग आ, इन्हों का तनखावान नहीं सरता, इन्हों का लालच ना सरता, जोड़ा पैसा दे जाऊगा और काम हो ही जाना वा, या तो फिर लेट रेट रेट लिस्ट ला दे कि भी फलाना परचा करन इन्ने पैसे लगने जे, तो रोकने इन्ने परचे लगने जे, श्रेआम पैसे मंग लैन, मंग इन सस्पेंड किया जाए। मैं अपने गोडियां तो बहुत दुखी सी,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ